आज हम मैनेजमेंट ऑफ कॉप में कास्टेशन और डॉकिंग और वीनिंग के बारे में स्टडी करेंगे। ये पशुओं के मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेज हैं। इसमें पहली प्रैक्टिस है कास्टेशन यानी बधियाकरण। इस बधियाकरण में क्या किया जाता है कि पशुओं की जनन क्रिया समाप्त करने हेतु नर पशुओं में शुक्राणु पैदा करने वाले टेस्टिकल्स को निकाल देने टेस्टिकल्स को निकाल दिया जाता है या निष्क्रिय कर दिया जाता है। ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है यानी जैसे उसकी रिप्रोडक्टिव या जो प्रोडक्ट जनन क्रिया है उसको समाप्त करने के लिए उसके शुक्राणु पैदा स्पर्मेटाजोआ पैदा करने वाले टेस्टिकल्स को निकालना कास्टेशन कहलाता है। ये कास्टेशन के ऑब्जेक्ट क्या है? कास्टेशन के ऑब्जेक्ट हैं कि कास्टेशन से नर पशुओं को कास्टेशन करने से उनकी मीट की क्वालिटी अच्छी होती है यानी कार्कस की क्वालिटी अच्छी होती है, इसलिए बधियाकरण किया जाता है। बधियाकरण के पश्चात पशु की गर्दन पतली और स्वभाव में डोसाइल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, एग्रेसिव नहीं रहते, जिसके कारण बैलगाड़ी में बेल खींचने और हल जोतने में काम में आ सकते हैं। यानी पशुओं को बेल बनाने के लिए जो कि खींचने के लिए हल जोतने काम में लिए जाते हैं उनका कास्टेशन करना आवश्यक है। जिनकी रिप्रोडक्टिव इफिशेंसी या आनुवंशिक क्षमता कम है उन पशुओं को ब्रीड के इम्प्रूवमेंट के लिए प्रजनन से वंचित रखा जाता है। कई हमने देखा होगा कि गाँव में जो नॉन डिस्क्रिप्ट मेल है जो कि मेल फीमेल को इंसिमिनेट करते हैं, गैबिन क्या करते हैं, जिससे संतति अच्छी नहीं पैदा होती है। अच्छे प्रून सांड से संतति को इंसिमिनेट करना आवश्यक है। अतः ऐसे कम आनुवंशिक गुणों वाले पशुओं का बधियाकरण किया जाता है जिससे कि संतति अच्छी रहे। लास्ट इसका ऑब्जेक्ट है टीजर बुल बनाने के लिए। ये टीजर बुल क्या होता है? टीजर बुल होता है कि जैसे गाय हीट में आई उसको डिटेक्ट करने के लिए जो बुल काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं टीजर बुल। इसमें टीजर बुल में जैसे फीमेल हीट साइकिल में आई उसको डिटेक्ट करने के लिए वो टीजर बुल माउंट करता है, किंतु वो माउंट करने के पश्चात इंसिमिनेट नहीं कर सकता। माउंट कर रहा है तो इसका मतलब गाय हीट में है, किंतु हीट के लिए डिटेक्ट करने के लिए टीजर बुल काम में लिया जाता है, किंतु वो लिबिडो रखता है किंतु वो इंसिमिनेट नहीं कर सकता, इसलिए ऐसे बुलों को टीजर बुल के रूप में काम में लिया जाता है। ये जैसे नर जो बछड़े होते हैं उनको किसी भी आयु में कास्टेट किया जा सकता है, किंतु यदि अर्ली एज में कास्टेट करेंगे तो उनको कष्ट कम होगा। जैसे बछड़े केटल एंड बफेलो, इनमें जो इसकी एज है कास्टेशन की बिफोर 3 मंथ। इसी तरह भेड़ और बकरी के जो मेमने हैं उनको कास्टेट किया जाता है 1 से 2 सप्ताह, और जो सुअर के बच्चे हैं मेल उनको कास्टेट किया जाता है 1 से 2 सप्ताह, और इसी तरह घोड़े का बछड़ा 2 माह। तो मेन रूप से केटल बफेलो में 3 माह से कम पर उनको कास्टेट कर दिया जाना। मेथड ऑफ कास्टेशन, कास्टेशन की कौन कौन सी विधियां हैं? एक तो होती है बाय ऑपरेशन शल्य क्रिया का, और दूसरा जो शल्य क्रिया द्वारा रहित विधि। जो ऑपरेशन मेथड है इसमें मेन थीम है कि उसके टेस्टिकल को ऑपरेशन द्वारा काट कर निकाल लिया जाता है। टेस्टिकल्स को ऑपरेशन द्वारा निकाल लिया जाता है। इसमें टेस्टिकल्स के द्वारा निकालने से एक ट्रेंड वेटरनरी डॉक्टर या उसकी LSA की आवश्यकता होती है। अनट्रेंड आदमी इस क्रिया को नहीं कर सकता और इसमें काफ़ी दर्द भी होता है।
दूसरी है जिसमें शल्य क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, मैकेनिकल मेथड होता है वो है। इसमें एक डिवाइस काम में ली जाता है जिसमें एक एपरेटस काम में आता है, उसका नाम होता है बर्डिजो कास्टेट। ये बर्डिजो कास्टेट एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इस विधि का नाम रखा गया बर्डिजो कास्टेट। ये ज़्यादा प्रचलित है और इसमें कोई घाव भी नहीं होता और कोई खून भी नहीं निकलता। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम पशु को ट्रेविस में कंट्रोल किया जाता है और उस टेस्टिकल्स में टेस्टिस की स्थिति को हम देखते हैं कि क्या स्थिति है। फिर एक टेस्टिस को हाथ से पकड़कर नीचे की तरफ खींचें और एक हाथ से स्पर्मेटिक कोड को एक तरफ करके उस टेस्टिस से 2 इंच ऊपर जो उसकी स्पर्मेटिक कोड है उसको वर्डिजो कास्टेटर के जबड़े के बीच दबाकर लगभग 30 सेकंड तक रखेंगे। वर्डिजो कास्टेटर से स्पर्मेटिक कोड की जो रज्जू है, जो उसकी स्पर्मेटिक कोड के ऊपर 2 इंच ऊपर रज्जू को यंत्र को जबड़े में बीच में दबाकर 30 सेकंड तक रखेंगे पहले स्थान पर एक बार, फिर इसी तरह दोबारा इसको दबाएंगे। इससे क्या होगा कि इस विधि द्वारा जो टेस्टिस से रक्त और ऑक्सीजन और जो फूड सप्लाई है वो बंद हो जाएगी और धीरे धीरे टेस्टिस की समस्त क्रियाएं बंद हो जाएगी और दोनों टेस्टिकल सूख कर शिथिल हो जाते हैं और उस टेस्टिस का आकार छोटा हो जाता है। अन्य जो मेथड है वो छल्ले द्वारा, इसमें भी मेथड सेम है, पशु को कंट्रोल करेंगे और जो टेस्टिकल्स है उसको मसल कर ये सुनिश्चित करेंगे कि दोनों उसमें टेस्टिकल मौजूद है। फिर इलस्ट्रेटर के द्वारा रबड़ के छल्ले को उस टेस्टिकल्स उस जो वषण कोष है उसके जड़ के चारों तरफ लगाकर कस देंगे और रबड़ के छल्ले नीचे होने चाहिए और इससे इसमें भी क्या होगा कि रबड़ का छल्ला पहचान उस टेस्टिस को पहनाएंगे तो उससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और 2 से 3 सप्ताह में टेस्टिकल्स सूखकर गिर जाते हैं। इस डायग्राम में जो दिखाया गया बर्डिजो कास्टेटर, ये यंत्र होता है, इसके द्वारा स्पर्मेटिक कोड को दबाया जाता है और ये जो इलस्ट्रेटर है ये रबड़ के छल्ले को चढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। अब इसमें डायग्राम में जो आपको दिखाए ये 2 टेस्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं और इस टेस्टिकल्स के ऊपर स्पर्मेटिक कोड होती है। इस स्पर्मेटिक कोड को जैसे कि इसमें दिखाया गया कि इस स्पर्मेटिक कोड को वर्डिजो कास्टेटर के द्वारा 2 बार दबाया जाता है। तो इस तरह पशुओं को बधियाकरण करते हैं। तो एक और टर्म है कास्टेशन एंड वेसेक्टोमी। कास्टेशन और वेसेक्टोमी में क्या क्या अंतर है, कई बार जैसे पूछा जाता है बधियाकरण और नसबंदी में क्या अंतर है। तो बधियाकरण हम करते हैं मेल का और नसबंदी किसी भी जेंडर की हो सकती है। बधियाकरण में हम क्या करते हैं कि उसकी काम की इच्छा समाप्त कर देते हैं, उसको डोसाइल बना देते हैं, जबकि नसबंदी में उसकी जो स्पर्मेटिक कोड पर चीरा लगाकर उसको बांध दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है उसमें वर्षण में स्पर्मेटा जो उत्पन्न होते हैं, नसबंदी में वर्षण में स्पर्मेटा जो उत्पन्न होते हैं वो फर्टाइल होते हैं किंतु वो इंसिमिनेट नहीं कर सकते, किंतु वो गर्भित नहीं कर सकता। काम की इच्छा रखता है, लिबिडो रखता है किंतु वो मेटिंग भी कर सकता है किंतु वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। तो ये अंतर है कास्टेशन और वेसेक्टोमी। अब इसकी दूसरी जो मैनेजमेंट की बच्चों में छोटे बच्चों में वो होती है डॉकिंग, पूछ काटना। ये मुख्य रूप से भेड़ में काम में ली जाती प्रैक्टिस। इसमें 2 सप्ताह की आयु में ही उनकी पूंछ काट दी जाती है और क्योंकि भेड़ में पूंछ घनी होती है और ऊनदार होने से उसमें गंदगी इकट्ठी हो जाती है, बीमारी फैलने का खतरा रहता है और साथ ही पूंछ उसके ब्रीडिंग में भी बाधक होती है। इसलिए भेड़ में पूंछ काटने की रिवाज है, इसकी प्रथा है। इसकी जो डॉकिंग है उसका प्रोसीजर क्या है, जैसे बधियाकरण में पशु कंट्रोल करते हैं वैसे भी इसमें पशु को भेड़ को कंट्रोल करेंगे और फिर पूंछ को पकड़कर शरीर से करीब 1 इंच की दूरी पर 2 पुच्छ
कशेरुकों के बीच का स्थान निर्धारित करें। पूंछ की त्वचा को शरीर की तरफ धकेलें और काटने के पश्चात त्वचा घाव को ढका रखें। तेज धारदार चाकू से पूंछ काट दें। काटने पर बहुत कम खून निकलता है क्योंकि इस जगह कोई बड़ी धमनी या सिरा नहीं होती है, आर्टरी या वेन नहीं होती उस जगह। घाव पर टिंचर आयोडीन लगा देंगे और पशु को छोड़ देंगे। तो और ये पूंछ काटने के लिए रबड़ के छल्लों को जन्म के थोड़ी देर पश्चात दूसरी या तीसरी कोक्सीजियल वर्टिब्रा पर चढ़ा देते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है और 7-8 दिन में पूंछ सूख कर अपने आप गिर जाती है। तो ये तो हुआ डॉकिंग। भेड़ में की जाती है क्योंकि पूंछ की गंदगी को मिटाती है और उसकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाती है। ये तो हुआ डॉकिंग। और इसका 2 सप्ताह पूर्व ये प्रैक्टिस अपनाई जाती है। तीसरी जो प्रैक्टिस है, जैसा कि इसमें दिखाया गया, ये रिमूवल ऑफ सुपर मेमोरी टीट्स। रिमूवल ऑफ सुपर मेमोरी टीट्स क्या होता है कि बछड़ों के जन्म के समय हमने देखा कि गाय और भैंस में 4 थन होते हैं, किंतु कई बार ये देखा जाता है कि 4 थनों के अतिरिक्त थन भी देखे जाते हैं, तो ये सुपर मेमोरी टीट्स कहलाते हैं। इनमें क्या होता है कि इनके होने के कारण, अतिरिक्त थन के कारण गाय की सुंदरता खराब होती है, आयन में डिजीज की संभावना बढ़ जाती है और मिल्किंग के समय या मशीन के द्वारा दूध निकालने पर परेशानी आती है। अतः जन यदि ऐसे रूडिमेंट्री टीट या सुपर मेमोरी टीट से दिखाई दे तो जन के पश्चात इनको निकाल देना चाहिए। और इनका जैसे उचित समय, जब गाय सूखी हो, दूध न दे रही हो, उस समय आयन का आकार छोटा होता है और घाव भी जल्दी बढ़ता है। इसके लिए आवश्यक उपकरण चाकू, कैंची, साफ और स्टरलाइज होनी चाहिए। बछड़े को ज़मीन पर गिराकर कंट्रोल कर हम थनों की वास्तविक स्थिति को देखेंगे। अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा टीट है उसको एक सिरे से पकड़ कर खींचें और कैंची अथवा चाकू की सहायता से इसे आयन के नज़दीक से काटें। घाव पर एंटीसेप्टिक दवा लगाएंगे और बछड़े को मुक्त कर उसके आवास पर छोड़ेंगे। तो ये तो हुआ उसका रिमूवल ऑफ सुपर मेमोरी टीट्स। अब जो मैनेजमेंट की अदर प्रैक्टिसेज है वो वीनिंग, बछड़े को माँ से अलग कर या दूध छुड़ाकर पालना। हमारी प्रैक्टिस क्या है कि हम दूध निकालते समय क्या करते हैं कि गाय के बछड़े को छोड़ते हैं, और इसमें क्या होता है कि बछड़ा दूध कम पीता है और हम उस कुछ समय पश्चात उसको बांध देते हैं और मिल्किंग का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। इसका नुकसान क्या है, इसमें क्लीन मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता, स्वच्छ दूध उत्पादन नहीं होता, दूध की बचत भी नहीं होती और लाभकारी दूध उत्पादन हेतु अर्ली एज में ही बछड़ों का दूध छुड़ाकर माँ से अलग कर उनका पालन पोषण करना, अतः इन बछड़ों का दूध छुड़ाना और माँ से अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वीनिंग। इसमें जितनी वीनिंग जल्दी की जाएगी दोनों के लिए उतना ही आसान होता है। वीनिंग से दूध की बचत होती है और बछड़ों को भी हम कंप्लीट फूड देकर उनकी वृद्धि कर सकते हैं। क्या होता है कि वीनिंग जब हम गाय की काविंग होती है तो 2-3 पश्चात उसमें खीस देती है जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। इस कोलोस्ट्रम को पिलाकर छोटे बछड़ों की वीनिंग करते हैं। इससे बछड़ों की देखभाल भी ठीक होती है। और इसकी प्रक्रिया में क्या है कि बछड़ों को 6-8 घंटे तक भूखा रखें और बोतल से दूध पिलाना है तो मुंह में अंगुली डालकर निप्पल मुंह में डालें और मुंह में जाने के पश्चात बछड़ा स्वयं ही दूध पीना प्रारंभ कर देता है। बाल्टी से दूध पिलाना चाहते हैं तो धीरे धीरे उसका मुंह दूध भरी बाल्टी में डुबाएं और हाथ से पकड़कर मुंह डालें। 3 माह का होने पर बछड़ों को मिल्क रिप्लेसर या काप स्टार्टर देना शुरू कर देना चाहिए। अनाज के कुछ दाने, बाटे का मुलायम हिस्सा हाथ से खिलाएं, धीरे धीरे बछड़ा चबाना शुरू कर देता है। और
विभिन्न पशुओं की जो वीनिंग की एज है वो है, जैसे बछड़ा जन्म के समय 3 दिन और 3 माह, ये केटल और बफेलो में या तो हम जन्म के समय से शुरू करते हैं या 3 दिन में या 3 माह में। लैम्प किड इससे 2 या 3 माह, और पिगलेट 21 दिन, और केबल काप 4 माह, और फॉल घोड़े का बच्चा 10 माह। इस तरह बिना बछड़ों के मिल्किंग को करना, ये विनिंग जो प्रक्रिया है, इस प्रकार हम अधिक दूध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात जो नेक्स्ट जो मेथड है उसमें कनम, जैसे खरोरा है, इस खरेरा में हमने देखा कि खुरारा का करना, ये खुरारा ग्रूमिंग, ये ग्रूमिंग पशुओं को रगड़कर नहलाया जाता है, सफाई की जाती है, और जिससे कि गंदगी और परजीवी उस पर नहीं बैठे। इसके बारे में हम बाकी जो प्रैक्टिसेस है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।